रिसर्च का हब बन चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपने देखे थे वो अब पूरे होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के अनेक जिलों में मछली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। साथियों, फसल हो, दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही है। गांवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। गांव में इन सुविधाओं के लिए निवेश बढ़े, इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किए गए हैं। छोटे किसानों को बिचौलियों से, उनकी चंगुल से बाहर निकालकर कृषि उत्पादक संघों FPOs से संगठित किया जा रहा है। ऐसे ही FPOs और दीदियों के समूह भंडारण की सुविधाओं से लेकर कृषि उद्योगों तक को चलाने वाले हैं। बिहार के युवा उद्यमियों, स्टार्टअप्स के लिए भी अनेक अवसर नए कृषि सुधारों से बनाए जा रहे हैं। साथियों, दरभंगा सहित मिथिलांचल के एक बड़े हिस्से में आप अगले चरण में मतदान करेंगे। राज्य के अन्य क्षेत्र के लोगों ने जो प्रण किया है उसी प्रण का आपको भी ध्यान रखना है। ये प्रण बिहार के भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं